खबर गौतमपुरा से। हिंगोट युद्ध की परंपरा रही कायम। रात 11 बजे 30 योद्धाओं ने मैदान में पहुंचकर दागे हिंगोट। गुर्जर मोहल्ले के प्रमुख नेता के नेतृत्व में परंपरा रही बरकरार। दीपावली के दूसरे दिन धोप पड़वा पर हिंगोट युद्ध की परंपरा को रोकने के लिए पुलिस ने इस बार भी मैदान में अस्थायी चौकी बना दी। प्रशासन ने कोरोना काल का नाम लेकर हिंगोट युद्ध नहीं होने देने के लिए कमर कस ली थी और देखा जाए तो उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली। वहीं योद्धाओं ने भी रात 11:30 बजे प्रशासन के कुछ देर हटते ही मैदान पर 15 मिनट तक गुर्जर मोहल्ले के प्रमुख नेता को आगे कर अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह कर लिया। प्रशासन इसे अपनी जीत समझ रहा है। प्रशासन द्वारा दोपहर से ही हिंगोट मैदान के आसपास पुलिस बल तैनात किया। युद्ध के मैदान में किसी को जाने नहीं दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मैदान पर रहा। पूरे गांव में फ्लैग भी निकाला। लोगों द्वारा अपने घरों से हिंगोट छोड़े गए, जिस पर प्रशासन ने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि कोरोना काल के चलते भीड़ भरे आयोजन नहीं होने दिए जाएंगे। उनके लिए वैसा ही योद्धाओं ने रख दी परंपरा कायम। गुर्जर मोहल्ले के प्रमुख नेता का कहना है कि प्रशासन ने प्रशासन का काम किया और हमने हमारा प्रतिवर्ष पड़वा पर हिंगोट की परंपरा का आयोजन सदियों पुरानी परंपरा है। प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर इसे बंद करने का प्रयास किया, पर हमें परंपरा बरकरार रखनी थी जो हमने रखी। जो परंपरा होना थी वो आज हो नहीं पाए, तो क्या रहा, कैसे पुलिस प्रशासन ने आज काबू पाया और कैसे लोगों को रोका? हिंगोट युद्ध के लिए ना तो किसी ने आवेदन दिया था और ना कोई आयोजक प्रायोजक सामने आया था, इस कारण से कि हिंगोट युद्ध को लोग पसंद नहीं करते हैं। इस बात पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी कि कोई असामाजिक तत्व कोई गलत हरकत ना करें, और पुलिस ने उसके लिए फ्लैग मार्च भी किया और जगह जगह फिक्स पॉइंट लगाए गए थे, वाहनों की चेकिंग लगाई गई थी। इस कारण से सारे कार्यक्रम शांतिपूर्ण समाप्त हुआ और कोई भी हिंगोट एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंका गया। सब कुछ घरों से हिंगोट छूटे थे हल्के फुल्के, और उस तरह वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं लग पाया? नहीं, वहाँ पर प्रतिबंध है भी नहीं है। लोग अपने घर से अगर हिंगोट चलाते हैं और किसी के ऊपर नहीं चलाते हैं, तो उस पर किसी को कोई वो प्रतिबंध नहीं था। सर, इसके अलावा आने वाले वर्षों में अगर युद्ध के लिए कुछ आयोजन होना है तो कुछ इसके बारे में? जी हाँ, वो तो कोरोना के कारण इस बार अनुमति नहीं थी, और भविष्य में अगर स्थिति अच्छी रहेगी, कोरोना का प्रकोप नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से अनुमति दी जाएगी और अच्छे स्तर पर व्यवस्थित तरीके से हिंगोट का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए गौतमपुरा देपालपुर इंदौर से संदीप सेन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।